फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बकरे के मगज़। ये मेरे पास दो मगज़ हैं। सबसे पहले तो इनको साफ़ करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ लोग इसको गर्म पानी के साथ साफ़ करते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन जो आज मैं आपको तरीका बता रही हूँ वो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है जिसमें आप इजीली इसको साफ़ कर सकते हैं। उसके लिए एक बाउल में आप 8 से 10 आइस के क्यूब्स डालें। एक ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, मगज़ शामिल करेंगे। पाँच मिनट इसके अंदर पड़ा रहने देंगे। 10 मिनट पानी में रखने के बाद अब हम एक पीस लेंगे, इसको हम साफ करेंगे, जो कि आप देखें आसानी से साफ हो रहा है। इस तरह से हम इसको साफ कर लेंगे। इस तरह से मैं दोनों को साफ कर लूंगी। दोनों मगज़ अच्छे से अंदर तक साफ हो गए हैं। अब हम अच्छे से साफ करने के बाद अब हम इसकी पकाई का अमल शुरू करेंगे। एक सॉस पैन में पानी को गर्म कर लेंगे। पानी में 1 स्पून हल्दी ऐड करेंगे, मगज़ शामिल कर देंगे, जोश आने का इंतज़ार करेंगे। इसे 2 बार जोश देने के बाद अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। डिश में निकालने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं मैंने। एक पैन में 1/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे, उसमें 2 बारीक चॉप की हुई प्याज डालेंगे। इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद प्याज का हमने कलर नहीं देना, जस्ट इसको हमने 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। उसके बाद अब हम इसमें 1 स्पून कद्दूकस की हुई लहसुन की पेस्ट, 1 स्पून अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद भून लेंगे। दो मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद 2 टमाटर की पेस्ट शामिल करेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 खुश धनिया पाउडर, रिंग्स की शक्ल में कटी हुई 1 हरी मिर्च शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। 5 से 6 स्पून के करीब मैंने पानी डाला है। इसमें मगज़ को शामिल कर देंगे। अभी हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, इसको कवर करके 6 मिनट तक दम वाली आंच पे हम इसको रख देंगे पकने के लिए। मिलते हैं 6 मिनट के बाद। करके रखने के बाद मगज़ कुछ इस फॉर्म में है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्ची शामिल करेंगे, 1/4 ज़ीरा पाउडर, 1/4 गरम मसाला। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इनकी भुनाई भी करेंगे। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी अंदर से ख़त्म हो जाए। अच्छे से पानी को ड्राई करने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाए धनिया से गार्निश कर लेंगे। मज़ेदार मगज़ फ्राई भेजा फ्राई रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।